अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जो रविंदर का हादसा हुआ वो बुरा हुआ, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, केसीआर जी आप इसके ऊपर एक कमेटी डालिए, उन लोगों को परमानेंट कर दीजिए। रविंदर जी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, आज हॉस्पिटल में उन्हें परेशानी में है, अब तक आपके आदमी कोई भी नहीं आया, गवर्नमेंट से कोई भी नहीं आया, पुलिस ऑफिसर भास्कर राव जो कमांडेंट है इन लोगों का अभी तक उन्होंने अब तक आगे बात नहीं करा। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ, यहाँ के वजीर सीएम साहब है, सीएम साहब आप कहीं को इन लोगों को परमानेंट नहीं कर रहे, आपका वादा है ये, आप असेंबली में इसका वादा करें, आप इन लोगों को परमानेंट कर दीजिए। इनके 17,400 फैमिलीज है, आप वोट लीजिए इन लोगों का, मगर इन लोगों को परमानेंट कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं है, मेडिकल का कुछ खर्चा उठाना बोले तो वो है सो सैलरी में से कहाँ उठाते साहब, एक बार सोचिए। मैं यहाँ के चंद्रन गुट्टा के अच्छा अकबर भाई को भी बोल रहा हूँ, भाई साहब ज़रा आप भी सोचिए, इन लोगों के लिए लड़िए, आप इन लोगों के लिए बात करिए, इन लोगों के लड़िए। असद साहब यहाँ के हैदराबाद के एमपी हैं, आप भी इन लोगों के बात करिए। कांग्रेस पार्टी के तरफ से 100% आज मैं रेवंत जी से मिलता हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद मैं रेवंत जी से मिलता हूँ, उनसे कंपलसरी वादा लेता हूँ, अगर भगवान चाहे तो इस राष्ट्र में फिर एक बार कांग्रेस आ जाती उस दिन पक्का इन लोगों को परमानेंट करने के वादा लेके मैं आता हूँ। मैं 100% रविंदर जी के जो हालत है वो अच्छा होना बोल के भगवान से दुआ कर रहा हूँ। मैं आप लोग सब भी भगवान दुआ करो, रविंदर जी बच जाना, रविंदर जी हमारे बीच में चलना, हमारे बीच में रविंदर जी रहना। थैंक यू भाई, अस्सलाम वालेकुम।
आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो है ना हमारा दर्द जो है ना सीएम तक लेके जाने के लिए आप खुशी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका जो है ना शुक्रगुजार हैं हम लोग। वहाँ रविंदर बोलने वाले एक होमगार्ड ऑफिसर जो है ना दो दिन पहले आके सुसाइड अटैम्प्ट करे, आपको पूरा आइडिया है। आज तक कोई भी जो है ना अब तक हम लोगों को जो है ना हुकूमत की तरफ से खे नहीं खे ऐसे यहीं पर हम जो है ना हमारा क्या बोलते हैं एहतजाज भी नहीं बोल रहे हम लोग। हम आके उसको आके उसकी तबीयत ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पर ठहर के, और आके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंसाफ कीजिए। और कब तक है ये जुल्म होमगार्डों को, अब तक कब तक करेंगे? हम लोगों में इंसान आए, देखो कॉन्स्टेबल के बराबर नहीं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। उनको कॉन्स्टेबल को आके 6 साल 7 साल में परमिट हो जा रहा, तो लोग मतलब हेड कॉन्स्टेबल मिल जा रहा, हेड कॉन्स्टेबल से फिर उनको और एक 6 साल में आके ASI मिल जा रहा, और उसके बाद 6 साल में 2 स्टार से आके उन ऑलमोस्ट रिटायर हो रहे हैं। बहुत किस्मत वाले हैं तो 3 स्टार से हो रहे हैं, मगर हम लोगों का क्या गुनाह करें? हम लोगों में होमगार्ड्स पढ़ लिखे हैं, मेरे को आके इंटर हुआ है, मेरे जैसे बहुत सारे साथ हैं सही बोले तो। उन लोगों को क्या बोले 48 ईयर्स बोल के बोलते हैं कॉन्स्टेबल के लिए 48 ईयर्स बोल के बदले, मगर 48 ईयर्स वाला बच्चों के साथ भागता क्या था? आई पी एस ऑफिसर हम क्या बोल सकते सर? हम रिक्वेस्ट के अलावा आप भी जो है ना इंसान है, बल्कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ भी इंसानियत मामला कीजिए। हम भी जो है ना आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल जाने के लिए कोई उसको भी क्या बोलते हैं कोई इवेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं, कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं, प्रमोट कर रहे हैं उनको, वैसा हमको क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कैसा रूल बना लिए हम लोग, इतना गंदा रूल बना लेके एक व्यवस्था बना लेके। गांधी जी क्या करे ब्रिटिश वाले रूल्स ऐसा जो है ना इंसानियत के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ जो रूल इम्प्लीमेंट करे थे ब्रिटिश, तो गांधी जी पूरे बंदियों के सामने फाड़ दिए वो रूल्स को। वैसा ही आप जो है ना ये रूल्स को जो है ना ख़त्म कर दीजिए, और आके होमगार्ड ऑफिसर्स की मदद कीजिए। और रविंदर जो है ना मैक्सिमम पा बेचारा हम लोगों से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उसके जो है ना चाहे आप होकर बाहर आ जाओ, बल्कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन बल्कि बता रहे हैं कंडीशन है, उसके लिए भी जो है हुकूमत आना चाह। अब कब आते साहब? अब ऐसा रहे तो अब जो हम लोगों तो दिल सच्चे दिल से आपके लिए सुबह से मैं 3 दिन से मैं आपको सपोर्ट बोलूँ। अब मेरे को तकलीफ हो, मैं क्या बोलूँ सपोर्ट बोल के? आपको क्या बोल सपोर्ट बोलूँ? सपोर्ट बोल बोलूँ देखे तो अब ना अकबर भाई लोग अब तक नहीं है, ना सदुल्ला लोग आए हम लोग। देखो भाई हमें भी इंसान है ना साहब, क्यों इतनी ये हो गया आप लोग? कितना पैसा है तो पैसा लेके नहीं जाते साहब, याद रखिए खाली हाथ आया इंसान खाली हाथ जाएगा, याद रख लीजिए। ये दुनिया जो है ना आजमाइश की जगह है, कुछ भी लेके जाने का नहीं रहता। इंसानियत का जो है ना एक नमूना पेश कीजिए, और इंसानियत को आकर मुलाकात करिए, क्या हो रहा है, कितने लोग हैं साहब, दिख रहे नहीं साहब लोगों? एक दो के नहीं साहब, होमगार्ड के 16,000 लोगों के ऊपर जुलूम चल रहा साहब। एक एक गंदा एक व्यवस्था निकालिए स्वच्छंद सेवा बोल के। स्वच्छंद सेवा किसे बोलते साहब? कोई भी खुशी से आके एक घंटा दो घंटा करे तो होता साहब, जॉब ना रहने की वजह से इसमें आके हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। जो भी सर कॉन्स्टेबल बन जाते बोल के मेरे वाली साहब तो इतना रिक्वेस्ट करे बेटा मत जाओ इसमें मत जाओ बोल के बोले। मैं एक अरमान थी पुलिस का एक डस डालना देश के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ ऐसा सोच के हम लोग वहाँ के आगे इसी में अटक गए। हालांकि पढ़े लिखे हैं मगर अभी भी लास्ट में मेरा जो 2023 में जो नोटिफिकेशन पड़ा उसमें भी मेरा नाम नंबर भी हो रहा हूँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। 9849654384 आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मेरा नाम कालीफ हुआ हूँ। मगर इवेंट्स कर सकते हैं साहब, थोड़ा सोचिए ना, कुछ भी हमारे जो है ना सपोर्ट के बारे में आज तक कुछ भी हम लोग आके अरे क्यों आप हमारे बच्चे बोल के बोले आप क्या बोले आप असेंबली में एम्प्लॉयज पूरे मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारा मैं ख्याल करूँगा बोले। ये क्या साहब ख्याल करने का, बहुत दयालु है आप, पूरे उद्योग को अच्छा करें आप। RTC जैसे RTC हरगिज वो जो है ना व्यवस्था है इसमें विलीनियम होने का चांसेस नहीं, ये ज़मीन जब तक रहती तब तक नहीं होता बोले साहब। वैसे उसको जो है ना आप परमेंट करके दिखे तो आपको सच्चे दिल से सैल्यूट, नहीं होने जिसको करके दिखे आप, नहीं आने तेलंगाना को हासिल करें आप। सर होमगार्ड क्या गलती करे साहब हमारे को आके बिल्कुल जो ये एरिया के DRDL के पास का है सर, ये कंचनबाग बोलते हैं सर, अब ऐसी सेंटर भी बोलते हैं सही वाले मेरे इलाज है सर। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम भाइयों से बोल रहा हूँ कि रविंदर एक होमगार्ड ऑफिसर बहुत तकलीफ़ से जो है ना उन्होंने जो है ना सुसाइड करने के करा, क्यों बोलते हाइयर थोड़ा टॉर्चर करते हाँ उसकी वजह से उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुआ कीजिए उसके लिए सेहत आप बोल के। इतने MLAओं के पास गए हैं, मैं मिनिस्टरों के पास जाके सर हमें भी इंसान है सर, क्यों सर एक गंदा व्यवस्था लगा के हम लोगों को? अरे आप कोई अवसर नहीं जा सकते बोल रहे हैं। हरीश राव साहब के पास गए हम बात करने के लिए, सुनने के लिए भी टाइम नहीं सर आपको, हम लोग आपको वोट अंदर के जिताते हैं रे साहब, क्यों साहब आप लोग हमारे साथ इतना बेइंसाफी कर रहे हैं? हम लोगों के वोटों से ना साहब हम हमारे नायक है बोल के है ना सर, हम लोग आपको अभी भी सेलेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि तो आप हमारे को नुकसान करे तो पूरे देश के लिए अच्छा करे हमारे को भी अच्छा कीजिए। मैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है ना हम लोगों का बहुत बहुत फ़ायदा है आपकी जो है ना हुकूमत आएंगे को हम लोग सेलेक्टिस करते हैं आपके खिलाफ नहीं है, मगर हमारे होमगार्ड होंगे जो है ना बहुत बेइंसाफ करते हैं साहब, बिल्कुल बेइंसाफ करें।
देखो कांस्टेबल के बराबर काम नहीं, उससे ज़्यादा हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके ज़्यादा जो कांस्टेबल भी नहीं करता, सुबह में बुलाते हम लोगों को, ड्राइविंग है हमारा, पहले क्या करते होमवर्क को पुश करते, भाई कांस्टेबल का तो रूल्स बात करता है यार, उन्होंने उसको जाना बोल के, हम लोगों को ऑफिशियल अनऑफिशियल उसके गवाह को बुला लेके जाते, हर काम के लिए जो ना दे झिझक जो ना हम लोगों को यूज़ करते, मगर परमिट की जगह हम लोगों क्यों नहीं सर, परमिट के तो आपको बात नहीं सुनते बोल के सर, नहीं सर ऐसा नहीं सर, कंपल्सरी आपकी बात सुनते, हर एक भी करे करते छे सर, बड़ा ही मैं हमारे पेटों पे हाथ, हमारे पेटों पे लात मत मारो सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ हम लोगों को जो है ना सर, मैं एपी नीचे वच्चाम सर, इप्पुडु का सर 2007 वच्चाम सर, అప్పుడు మేము ఉమ్మడి కుటుంబంగా తెలంగాణ ఏపీ ఉమ్మడి కుటుంబంగా వచ్చినప్పుడు ఉన్నప్పుడు మేము అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ హోమ్ గార్డ్గా అయినాం సార్. కానీ సార్ కానీ మేము రైల్వే హోమ్ గార్డ్ సార్, మేము వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, మేము రైల్వే డిప్యూటేషన్ ఇచ్చారు, రైల్వేలో మేము నౌకరీ చేసుకుంటున్నాం సార్. కానీ రైల్వేలో మాకేంటంటే మొత్తం ఒక స్టేషన్కి ఒకళ్ళ మనిషిని పెడతారు సార్, ఏదైనా ఇష్యూ ఏదైనా అయినా మా మీదే డిపెండ్ అవుతుంది సార్. ఆర్పిఎఫ్ ఉండరు, ఎవరు ఉండరు, ఆర్పిఎఫ్కి అటాచ్ మాకు ఇచ్చారు, కానీ మేము ఒక్కళ్ళమే మొత్తం స్టేషన్ మొత్తానికి ఒక్కొక్కళ్ళమే ఒక్కలే ఉంటాము, హోమ్ గార్డ్స్ మొత్తం ఒక్కళ్ళమే, అంత మెయింటెనెన్స్ అంతా మేమే చేసుకుంటాం సార్. కానీ మేము ఏమి ఒకవేళ ట్రైన్కి ఏమైనా అద్దం కొట్టినా ఏమి చేసినా మాకు ఆప్షన్ చేస్తారు సార్, ఇంకా డ్యూటీ చేసి కూడా మాకు వేస్ట్ అయిపోతుంది, అది కూడా మాకు సెంట్రల్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో కూడా మాకు 3 మంత్స్కి ఒక్కోసారి జీతం ఇస్తారు, 3 మంత్స్కి ఒకసారి, అది కూడా కరెక్ట్గా ఇయ్యారు సార్. అయితే మాకు ఇంకోటి విన్నపం ఇంకోటి తెలుసా సార్, మాకు ఇద్దరు పిల్లలు, వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు స్కూల్లో జాయిన్ అవుతారు, చేస్తారు కూడా, ఈ టైంకి సమయానికి జీతం లేకపోతే మేము స్కూల్ ఫీజులు కట్టలేక, రూమ్ రెంటలు కట్టలేక, మేము తినడానికి తిండి లేక 5 రూపాయలు తిండి తింటున్నా బయట, నేనైతే వాస్తవం నేను చెప్తున్నా, నేనైతే 5 రూపాయలు భోజనం నేను చేస్తున్నా, గత 15 రోజుల నుంచి తింటున్నా నేను, అయితే పిల్లలకి పాల ప్యాకెట్లు కూడా ఇయ్యలేక పరిస్థితి నేను ఉన్నా, ఇంత చేసి కూడా పిల్లల ఫీజులు ఫీజులు కట్టలేక వాళ్ళు అక్కడ నుంచి టార్చర్ చేస్తారు మాకు, పిల్లలు పంపించేయాలనా ఇంటికి పంపించాలనా, లేకపోతే మీ ఫీజులు ఎప్పుడు కడతారంటే మేడం మేము ఒక ఫలానా హోమ్ గార్డ్స్, మాకు జీతం ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడే ఇస్తాము, మీకు అదే రిక్వెస్ట్ మేడం అన్నా కూడా వాళ్ళు వినట్లే, స్కూల్ వాడు కూడా వినట్లే, మాకు రెంట్ వాళ్ళు కూడా వినట్లే, వాళ్ళు సార్ మేము ఎంత డ్యూటీ చేస్తాము కానీ రెంట్ వాళ్ళు వినట్లే, నాకు టైంకి మాకు మీరు ఇవ్వాలి, నాకు టైంకి మాకు ఇవ్వండి, లేకపోతే వెళ్ళిపోండి, ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి అంటే మేము ఎక్కడ పోతాం సార్ అని మేము విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం కేసీఆర్ సార్కి. మా దయించి మాకు మీరు పర్మిట్ చేస్తే మాకు హ్యాపీ సార్, మీకు పాదాభి వందనాలు చేస్తాము.